हेलो एवरी वॉन टूडे वी आर गोइंग टू स्टडी वॉट इलेक्ट्रिक पावर द वर्क डाउन बाय द करंट फ्लोइंग थ्रो ए कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर वेन ए करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर देन द वर्क वर्कडन बाय द करंट फ्लोइंग इज नोन एज द इलेक्ट्रिक पावर मीन्स जब भी किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो करता है तो जो वर्कडन होगा वाई द करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रिक पावर और जो वर्क डन होगा सपोज कर लो कि मैंने ये कोई प्लस क्यू चार्ज ले लिया और अनदर चार्ज जो है वो इन्फिनिटी पे है या ए पॉइंट के ऊपर है और दिस इज सपोज बी पॉइंट अनदर चार्ज जो है वो क्यू प्लेस डेट पॉइंट ए टू ब्रिंक दिस चार्ज फ्राम पॉइंट ए टू बी इन द रीजन ऑफ दिसक्ट्री फीट द डन। जब हम इस Q चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट के ऊपर लेके आएंगे तो हमें एक फोर्स लगानी पड़ेगी और साथ में यहां से यहां तक मान लो ये डिस्प्लेसमेंट एस हो रहा है तो एफ डॉट एस दिस इज इक्वल टू वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और जो ये डन होगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी होगा और दैट इज इन द टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो इलेक्ट्रिक पावर हमारे पास आ जाएगी दिस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक वॉकडन डिवाइड बाई टाइम टेकन पावर को हम पी के साथ रिप्रेजेंट करेंगे वर्क डन को डब्ल्यू के साथ और टाइम को टी के साथ वर्क डन एनर्जी की फॉर्म में होता है तो दिस इज इक्वल टू आल्सो एनर्जी अपॉन टाइम इलेक्ट्रिक पावर को आप अनदर वे से भी डिफाइन कर सकते हो द इलेक्ट्रिक पावर इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक वर्कडन पॉल्यूनेट टाइम और एक और डेफिनेशन आप इसकी लिख सकते हो द रेट ऑफ कंजन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इन अ सर्किट दैट इज ऑल्सो नोन एज द इलेक्ट्रिक पावर और जो इलेक्ट्रिक पावर होते हैं एनर्जी के आगे यूनिट जूल और टाइम के सेकंड दिस इज इक्वल टू जूल सेकंड इनवर्स और इसके यूनिट होते हैं वॉट कैपिटल डब्ल्यू के साथ इसको रिप्रेजेंट करते हैं सो एस आई यूनिट हो गए हमारे पास इलेक्ट्रिक पावर के वॉट नेक्स्ट डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पावर इलेक्ट्रिक पावर के लिए जो फॉर्मूला होगा हम जानते हैं इलेक्ट्रिक वर्क डन W, दिस इज इक्वल टू वी आई टी वी यू पोटेंशियल आई करंट और टी वी द टाइम ये हमारे पास कहां से आया क्योंकि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वर्क अपॉन चार्ज और यहां से हम इसको रीरेंज करेंगे तो हमारे पास जाएगा वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज और करंट हमारे पास होता है चार्ज अपॉन टाइम तो चार्ज किसके जाएगा करंट इनटू टाइम So, इस तरह से हमारे पास आ गया इक्वल टू वी आई टी नाउ इलेक्ट्रिक पावर अब हमारे पास जो इलेक्ट्रिक पावर के लिए रिलेशन बन जाएगा पीवल टू होता है वर्क अपॉन टाइम तो वर्क के लिए हमारे पास पोटेंशियल मल्टीप्लाई करंट मल्टीप्लाई टाइम ओवर टाइम कटिंग हो जाएगी तो हमारे पास जो मेन फॉर्मूला होता है पावर के लिए पी इक्वल टू वी आई हो जाएगा तो पावर होगी इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल एंड करंट इस फॉर्मूले से हम अनदर फॉर्मूले निकालेंगे जगह हमारे पास हमें क्रंट और दिया होगा तब हमने कैसे पावर निकालनी है तो उसके लिए जो फार्मूला फॉर्म होगा सो लेट अस सी फर्स्ट व्हेन करंट एंड रेजिस्टेंस आर गिवन जब हमारे पास करंट और रेजिस्टेंस गिवन होगा तो हमने पावर निकालनी है तो इसके लिए हम किस फॉर्मूले का यूज करेंगे सो so, जो मेन फॉर्मूला पावर के लिए पी इज इक्वल टू वी आई लॉ फ्रोम लॉ से हमारे पास आ जाता है V इज इक्वल टू आई आर तो अभी जो V की वैल्यू हम यहां पे भर देंगे तो P इज इक्वल टू आई आर मल्टीप्लाई आई तो P इज इक्वल टू स्क्र आर तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे जब हमारे पास करंट और गिवन तो हम पावर निकालने के लिए। Second, v, are, are then, then जब हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस और गिवन तो हमने पावर फाइंड आउट करनी है तो इसके लिए फॉर्मूला हम ड्राइव करेंगे जनरल फॉर्मूला पावर के लिए P इज इक्ल टू वी आई और अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ वीज इक्वल टू आर आई होता है ठीक है यहां से हम रीरेंज करेंगे तो I इज इक्वल टू वी अपॉन आर बन जाएगा तो I की जगह पे हम यहां वैल्यू पुट कर देंगे अपॉन आर तो P बिकम्स P इज इक्वल टू वी आई की जगह आएगा वी अपॉन आर तो P इज इक्वल टू वी स्क्र अपॉन आर जब हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस और साथ में रेजिस्टेंस गिवन होगी तो पावर हम इस फॉर्मूले का यूज करके निकाल सकते हैं लेट अस टेक सम न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रिक पावर न्यूमेरिकल वन कंपेयर द पावर यूज इन टू होम रजिस्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट हमारे पास ये दो सर्किट गिवन है इन दोनों में हमने टू ओम वाला जो ये रजिस्टर कनेक्ट किया गया है इन दिस केस हमने इलेक्ट्रिक पावर जो आएगी वो निकालनी है और उसको कंपेयर करना है सो सॉल्यूशन फॉर फिगर वन जो ये सर्किट फर्स्ट दिया हुआ है इन दिस केस इन सर्किट वन हमारे पास मान लो ये सर्किट वन है और दिस इज टू सर्किट वन केस में हमारे पास ये दोनों जो रजिस्टर है रजिस्टर फर्स्ट एंड सेकंड कनेक्टेड इन सीरीज सो यहां पे टोटल रजिस्टेंस बन जाएगी आर टोटल दिस इज इक्वल टू 1 ओहम प्लस 2 ओह दिस इज इक्वल टू 3 ओह नाउ अब हम निकालेंगे वोल्टेज अक्रॉस 2 ओहम रजिस्टर दिस इज इक्वल टू वी टोटल ओवर आर टोटल आ जाएगा जो वोल्टेज टोटल होगी ओवर डिस्टेंस टोटल मल्टीप्लाई टू हो तो यहां पे वोल्टेज सिक्स वोल्ट है और टोटल डिस्टेंस हमने निकाल लिया थ्री सो दिस इज इक्वल टू सिक्स ओवर थ्री मल्टीप्लाई टू कटिंग थ्री टू द दिक्स दिस इज इक्वल टू फोर वोल्ट तो इस तरह से हमने वोल्टेज निकाली अक्रॉस टू ओम रजिस्टर के तो अब हम पावर निकालेंगे। पावर यूज इन टू ओम रजिस्टर तो पावर हमारे पास यहां पे फॉर्मूला लग जाएगा क्योंकि हमारे पास रजिस्टेंस और वोल्टेज गिवन है तो पी इज इक्वल टू वी पॉवन आर तो बी हमारे पास फोर आ गया फोर का स्क्वेयर डिवाइड बाई आर टू आ जाएगा फोर फोर दिक्कस टू एट वॉट आ जाएगी पावर फर्स्ट केस में अभी सेकंड केस में ये दो रजिस्टर जो हैं इन दोनों को पैरल में लगाया गया है तो यहां पे इन सर्किट टू वो थ, रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरल जब पैरल कॉम्बिनेशन होता है रजिस्टर का तो इन दैट केस जो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज सेम रहती है तो यहां पे वन होम के रजिस्टर में भी फोर वोल्ट होगी और टू होम के रजिस्टर में भी फोर वोल्ट होगी वोल्टेज तो इन दिस केस वोल्टेज इज सेम मतलब जो टू होम रजिस्टर है उसके क्रॉस वोल्टेज कितनी है फोर वोल्ट क्योंकि यहां पे फोर वोल्ट की बैटरी लगी हुई है सो so, अब हम यहां पे पावर निकालेंगे पावर इन टू होम होम रजिस्टर दिस इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू वी स्क्र पान आर वही फॉर्मूला लगाएंगे वी कितना है फोर फोर का स्क्वायर रेजिस्टेंस कितनी है टू सिक्स वाई टू दिस इज इक्वल टू एट वोट सो फर्स्ट सर्किट के लिए भी हमारे पास टू होम रजिस्टर के लिए पावर आई एट वॉट के केस में भी एट वॉट सो पावर यूज इन टू होम रजिस्टर इन ईच केस एसे दैट इज एट वॉट नंबर टू अ करंट ऑफ फोर एमपीयर फ्लो थ्रो ट्वेल्व वोल्ट कार हेडलाइट वोल्ब फॉर टेन मिनट हाउ मच एनर्जी ट्रांसफर अ कर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस मतलब ड्यूरिंग दिस टाइम करंट जो है फोर एम पीयर का flow कर फ्लो कर रहा है थ्रो कितनी बैटरी में से एक कार है उसमें बैटरी लगी है ट्वेल्व वोल्ट की और उसमें से जो करंट फ्लो कर रहा है फोर एमपीयर का और जो हेडलाइट है कार की जो हेडलाइट का वल्व है फॉर टेन मिनट टेन मिनट के लिए मतलब आ, कार में ट्वेल्व वोल्ट की बैटरी लगी है और जो कार की हेडलाइट है वहाँ पे एक वेल्व लगा हुआ है उसको टेन मिनट के लिए हम ग्लो करते हैं आ, तो हमारे पास वहाँ पे उस सर्किट में ऐसे करंट फोर का फ्लो का रहा है तो हमने इन दिस केस जो एनर्जी ट्रांसफर होगा ड्यूरिंग दिस टाइम्स वो हमने आउट करना है तो हमारे पास यहाँ पे गिवन है फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे करंट कितना है फोर एमपियर और पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज मतलब ट्वेल्व वोल्ट है और टाइम टी कितना है टेन मिनट देखो आर में चेंज करेंगे तो टेन बाई सिक्सटी हो जाएगा आर दिस इज इक्वल टू वन बाई सिक्स आर हो जाएंगे सो so, इसके बाद नेक्स्ट हम निकालेंगे टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड हो जाएगी दिस इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई आई मल्टीप्लाई टी सो इक्वल टू वी मतलब वोल्टेज ट्वेल्व करंट हमारे पास आ रहा है फोर और टाइम आ रहा है वन बाई सिक्स अब यहां पे कटिंग करेंगे सिक्स टू द ट्वेल्व दिस इज इक्वल टू एट वॉट आवर्स अब हम इसको किलो में चेंज करेंगे तो डिवाइड बाई वन थाउजेंड कर देंगे दिस इक्वल टू मल्टीप्लाई अभी टेन की ऊपर जाके माइनस थ्री हो जाएगा किलो वॉट आर्स अभी हम जानते हैं वी नो दैट वन किलो वॉट आर्स किसका और होता है थ्री पॉइंट सिक्स इंटू टेन एज टू पावर सिक्स जूल के बराबर ठीक है सो टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड जाएगा? दिस इज इक्वल टू एट मल्टीप्लाई टेन की माइनस थ्री मल्टीप्लाई थ्री पॉइंट सिक्स इंटू टेन की सिक्स और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टू एट एट जीरो जीरो जूल और इसको भी हम किलो जूल में कर देंगे तो डिवाइड बाई कर देंगे तो 1, 2, 3, 3 के तो के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा सोर्स ऑफ टू ट्वेंटी वोल्ट टू ट्वेंटी वोल्ट की बैटरी के साथ हम एक वल्व को कनेक्ट करते हैं जिसकी पावर फोर्टी वोट है तो उसमें से कितना करंट ड्रॉन होगा वो हमने निकालना है तो यहां पे हमारे पास गिवन है पावर कितनी है 40 वॉट और जो वोल्टेज है 220 और हमने निकालना है करंट तो अभी जो है जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो पहले हम चेक करेंगे इन तीनों के बीच में कोई रिलेशन है तो उस रिलेशन को हम लिखेंगे और वाई दे, यूजिंग दैट रिलेशन वी गेट द आंसर सो तो हमारे पास हम जानते हैं कि जो पावर होती है इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल एंड करंट सो इसको हम थोड़ा रिडेज कर देंगे आई हमने निकाला तो आई इज इक्वल टू पी ओपॉन वी हो जाएगा पी हमारे पास फोर्टी वॉट है और वी जो वोल्टेज है टू ट्वेंटी वोल्ट कटिंग कर देंगे तो यहाँ पे टू और इलेवन तो ये बन जाएगा टू ओवर इलेवन एम्पियर जब आप इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा जीरो पॉइंट ट्वेंटी